इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में निर्वस्त्र हालत में एक महिला का शव मिला। बीते 8 दिन से लापता थी महिला का शव मिलने के बाद पुलिस की नींद टूटी। मृत महिला के हत्या के मामले में ये मामला सामने आया है कि उसकी हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई है और 8 दिन से लापता महिला का शव मिलने से पसरा सन्नाटा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें UP76 न्यूज। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के रहते और वह भी ऐसी सरकार जो रात दिन महिला सुरक्षा का ढिंढोरा पीटती है, जिस सरकार के प्रतिनिधि हर तिराहे चौराहों पर महिला की सुरक्षा के गाथाएं सुनाते हैं। डबल इंजन सरकार के रहते एक महिला जो बीते 8 दिनों से घर से गायब थी का शव निर्वस्त्र अवस्था में गन्ने के खेत में मिला। शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया और जरा सी देर में ही सन्नाटा पसर गया। हालांकि मृतक महिला हत्या को लेकर चर्चा अवैध संबंधों की बताई जा रही है। महिला किसी के बुलाने पर घर से गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। रात्रि में थाना शमशाबाद के फैकबाग क्षेत्र में एक गन्ने के खेत में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। इस महिला की शिनाख्त थाना कायमगंज में गुमशुदगी दर्ज 44 वर्षीय महिला के रूप में हुई। यह महिला दिनांक 22/11/2023 को अपने घर से गायब थी और इनके पति द्वारा 28/11/2023 को थाना कायमगंज पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। शिनाख्ती कार्रवाई के बाद थाना कायमगंज पर 302-201 RPC का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में पंचायतनामा, पोस्टमार्टम व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का नवरूप। फरुखाबाद के कस्बा कायमगंज कोतवाली क्षेत्र की निवासिनी महिला शगुना देवी का छत व्यस्त व्यवस्था में गुरुवार देर शाम निर्वस्त्र हालत में फैजबाग पशु चिकित्सालय के पीछे एक गन्ने के खेत में मिला। सूचना पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसी के साथ पुलिस ने गुमशुदगी की हत्या के मुकदमे में तर्मीम कर दिया। कहां के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या घटना तुम्हारे यहाँ हो गई है? तुम्हारी पत्नी कहाँ चली, कितने दिन हो गए? पत्नी हमारी जन अच्छा, थाने में इसकी सूचना दी आपने? थाना में सूचना हमने फिर अच्छा, यहाँ गुमशुदी कब कई तारीख लिखाई थी आपने? कई दिन बाद लिखाई थी? 7 दिन। आपको बताते चलें कि कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव प्रेमनगर निवासी दयाराम जाटक की 44 वर्षीय पत्नी शगुना देवी 22 नवंबर की सुबह 10 बजे बिना बताए घर से चली गई और देर शाम तक वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की जिसके बाद पति दयाराम ने पुलिस को सूचना दी और 28 नवंबर को गुमशुदगी दर्ज कराई गई। परंतु गुरुवार देर शाम फैजबाग पशु चिकित्सालय के पीछे गन्ने के खेत में महिला का निर्वस्त्र अवस्था में शव मिला। शव से बदबू आ रही थी, चेहरा जला हुआ था जिसकी वजह से पहचानना मुश्किल था। परंतु पुलिस के ज्यादा जोर देने पर परतें खुली और पुलिस को गांव के प्रेमनगर की गायब महिला होने का शक हुआ। पुलिस ने लापता महिला के पति को मौके पर बुलाया, साथ में उसकी पुत्री चांदनी भी आई और नेल पॉलिश बा बिछिया देखकर पहचान की गई। घटना स्थल का SP विकास कुमार ने भी मुआयना किया। मौके पर हमारे सहयोगी को दयाराम ने बताया। अच्छा, पुलिस क्या सहयोग कर रही थी आपका? नहीं, अच्छा तुमने खोजबीन किया, पुलिस भी ने ढूंढवाया था? अच्छा, फिर आपको कैसी जानकारी मिली थी आपकी पत्नी के बारे में? हमें खबर करी थी, बुलाया। अच्छा, पुलिस ने बुलाया। आपको कै बजे जानकारी मिली? मिली लगभग 9-10 बजे पहुँचे थे। रात में कहाँ पहुँचे थे? हमें तो आप किस अवस्था में मिली थी? किस अवस्था में मिली थी आप? हमें भाई साहब नंगी मिली। कपड़े नहीं थे? चदरा ओढ़े थे, खाली उड़ाए दो चदरा, कपड़ा हमें उतारे जलाए थे, धोती से पहचानो हमने, थोड़ी बिछिया पहचानो।
तो क्या लग रहा तुम्हें, कुछ क्या तुम्हारी पत्नी हत्या कर दी गई क्या है? कैसा लग रहा है? क्या कुछ अच्छा कोई ज्वलनशील पदार्थ वगैरह डाला था? तो यार थाने में प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमा लिखवाया आप? मुकदमा लिखवाऊंगा, हमारे पकड़े गए, कुछ लोग पकड़े गए।